हाँ तो दोस्तों, ये बात है 29 नवंबर की, जब हमारा सी ए इंटर May 24 का बैच कंक्लूड हुआ हमारे निर्धारित समय से एक दिन पहले। 30 नवंबर का टाइम हमने दिया था, लेकिन हमने 29 नवंबर को ही अपना बैच खत्म कर दिया। ये एक प्रेस्टीज पॉइंट की एक प्रथा है कि वहाँ पे जो भी कोचिंग क्लास है, जब वहाँ का कोई सर या कोई मैडम अपनी बैच खत्म करता है तो वहाँ के स्टूडेंट्स उनसे अपनी नोटबुक में या किसी भी बुक में उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं और कुछ प्रेम के दो शब्द लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी, मुझे लगा था यह आज ये बैच कंक्लूड हो जाएगा और फिर कल से बैक टू अपने सारे रूटीन में। सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि कब मेरा नंबर आएगा और कब मैं सर का ऑटोग्राफ अपने बुक या नोटबुक पे लूँगा। ये सारी चीज़ें चली, फोटोग्राफ क्लिक किए हमने कि ये लास्ट डे है, बट सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर कल हम मिलेंगे, कल हम मिलेंगे, कल हम मिलेंगे। बट मुझे ये नहीं पता था कि कल वो किस लिए मिलने बोल रहे हैं। मैं बीच बीच में वीडियो को स्टॉप करके, यानी कि कोई भी फ्रेम को मैं फ्रीज करके पॉज करके अपना वॉइस ओवर दूंगा ताकि आपको व्लॉग अच्छे से समझ में आए। तो ये ना समझिएगा कि आपका वीडियो अटक गया, आपका वीडियो बराबर चल रहा है, बस मैंने चीज़ों को फ्रीज किया है आपको एक बेटर डिस्क्रिप्शन देने के लिए ताकि आपको सारी सिचुएशन और सारा व्लॉग बहुत अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट डे यानी कि 30 नवंबर को मुझे कुछ पता नहीं था, मैं अपने नॉर्मल रूटीन से अपने ऑफिस गया। मेरे ऑफिस स्टाफ पूरे इन्वॉल्व थे मेरे स्टूडेंट्स के साथ, तो जिस क्लासरूम में हमारा सीए इंटर का बैच हुआ करता था, तो उस क्लासरूम में कुछ इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी। बलून्स लग चुके थे, कुछ अलग अलग मेरे लिए ड्राइंग्स हो रही थी, एक चार्ट बुक के अंदर मेरे टीचिंग का अलग से रिव्यू लिखा गया था। यहाँ पे आप जैसी एंट्री में देख रहे तो सब कुछ अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसा कर सकेंगे वैसा कर सकेंगे। ये भाई लोग गिटार और अपना परफॉर्मेंस का तैयारी कर रहे हैं कि भाई हम एक परफॉर्मेंस देंगे, और सब अपनी अपनी जगह पे लगे हुए थे। फिर कुछ स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, ये मेरा ऑफिस का नज़ारा है, कि चलिए सर आपको हमारे साथ क्लासरूम चलना है। मैंने कहा अभी क्या हुआ? बोले बस बस आप बस आ जाइएगा। तो ये मेरे क्लासरूम का नज़ारा है जहाँ पे ये सारे एकाग्रित होकर मुझे बुलाने आए थे। सर बच्चों को बुला रहे हैं। फाइनली फिर उन्होंने एक मुझे कॉल दिया और मुझे ऑफिस के बाहर बुलाया। मैं जैसे ही अपने ऑफिस के बाहर आया तो कुछ ये माहौल था। हर बार अनएक्सपेक्टेडली इतना ज़्यादा प्यार मिल जाता है कि क्या बताऊँ। इसी प्रकार से ये बैच भी अपने आप में एक अनोखा बैच था। क्लासरूम कम, परिवार ज़्यादा, सर कम, बड़ा भाई ज़्यादा, इस प्रकार के रिश्ते हमने इस क्लासरूम के अंदर शेयर किए। एंड जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने उस प्रोजेक्टर के पीछे मेरी टीचिंग के बारे से मेरे रिव्यू लिखे हुए थे और जेन्युइनली जो उनको नेचुरली दिमाग में आया वो लिखे हुए थे। मैंने एक एक रिव्यू को पढ़ा भी, बट मैं अपने ही मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता तो वो क्लिप मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। फिर थोड़ी बहुत केक कटिंग हुई, केक कटिंग होने के बाद उनके तरफ से मुझे एक कोकोनट एप्रिसिएशन मिला, जैसे कि वो आप
इस वीडियो में देख पाएंगे कि हमने कैसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देन इसके बाद यहाँ पे हमने अपने अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल का, जो हमने वेट एंजॉय वाटर पार्क का एक पिकनिक लेके गया था, वहाँ पे उसको एक एलईडी टीवी के अंदर स्क्रीन के अंदर हम सब मिलके देखे, ये उसी का नज़ारा है। हमने ये प्लान किया हुआ था कि जैसे ही हमारा ये ट्रिप का पूरा व्लॉग आ जाएगा, हम प्रोफेशनल फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर लेके गए थे, वो आ जाएगा तो हम इसको साथ में देखेंगे। तो 29th of November को बैच कंक्लूड हुआ, मुझे लगा कि अब मैं इसको यूट्यूब पर सबके साथ शेयर कर दूंगा, बट 30th को ये प्लान था, को इंसिडेंटली 29th को हमारा व्लॉग फाइनल हो गया था। तो हम बैठ के यहाँ पे सारे हमारे ACT का ट्रिप देख रहे हैं। कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। ये भाई लोगों ने एक परफॉर्मेंस प्लान किया हुआ था, तो इनने 5-6 गाने गाए थे, बट उसमें से जो बेस्ट मुझे लगा वो बेस्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और ये गाना क्योंकि मेरा फेवरेट था जो इसने गाया था, इसलिए क्लिपिंग मैं आपके सामने कर रहा हूँ। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था इनका। ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया तुम्हें ले दिल के ले, और जीने को क्या चाहिए हाँ तू मिले दिल के ले और जीने को क्या चाहिए, चंदा तुझे हो देखने को इकला करता है, आईना भी हो दीदार को तरसा करता, कोई नहीं इतनी हंसी कोई नहीं, उसन दोनों जहां एक है निंदा कर दो तू मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। इन्होंने एक और सरप्राइज मिल रखा हुआ जो आप सामने देख रहे हैं। क्लासरूम के अंदर जो शब्द मैं बार बार इस्तेमाल करता हूँ वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। फिर उसके बाद सारा कुछ होने के बाद मुझे इस बैच से क्या अनुभव हुआ, मैंने वो सारी चीज़ें शेयर की। वैसे मैंने तो बहुत कुछ बोला था उस दिन, बट जो मुझे उचित लग रहा है इस ब्लॉग में डालने के लिए वही आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो ना कि अपन सारे एक भी हो गए इस क्लास में, और ये जो सारी चीजें थी मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था, उसमें ये कोइंसिडेंटली आ गया। आशीष ने टीवी का ये दिया कि साथ में देखेंगे, ये एक अलग फील ले ली आज का, और इसकी वजह से हमने को आज लग रहा है कि सर एक ट्रिप अपन और चलेंगे। सो वंस अगेन इन सारे अरेंजमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अब तक का जितना भी मैंने बैचेस लिए हुए अब तक, ये अब तक का टॉप नॉच ऐसा बैच रहा है ओवरऑल, खत्म हुआ ईमानदारी से, खत्म हुआ परिवार जैसे रहे, घूमे फिरे भी। और बताना चाहता हूँ जितने लोग आप लोग सब के सब, आप ACT की पहली ट्रिप के पात्र हो सारे, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल का पहला ट्रिप,
आप लोगों के साथ हुआ, और आज जब तक हमने इतने नाश्ते कोई क्लास में नहीं करे। सच बताओ, पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह की, कोई भी यहाँ पढ़ने आ रहा है तो अपनी जगह पढ़ाई है। तुम शायद आप बोलोगे कि तू भाई तू तेरे को जीवन जीना है ना, तो तू लॉ अर्जुन सावरे के पास वहाँ पे तेरे को पढ़ाई भी हो जाएगी, थोड़ा फैमिली वाला एनवायरमेंट भी मिलेगा, और तू थोड़ा सा एक्सटर्नल मोह माया से मुक्त होके यहाँ पे फ्री होके पढ़ पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारा बॉन्ड यहाँ पे खत्म होने वाला नहीं है। यही हूँ मैं, ऑफिस नंबर 88 है अपना भी, अभी भी आप कभी भी आओ वहां पे मिलेंगे, प्रोवाइडेड मैंने लेक्चर के बीच में बताया तो वहां पे मिलेंगे। और मेरी को एक ऐसा है कि एक ट्रिप अपनी और बननी चाहिए बैच कर लो, भले वो छोटी सी रहे, ऐसे सुबह जाए और शाम को आ जाए। और इस बार मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि पिछली बार जो नहीं चला था इस बार जरूर चली, क्योंकि इस बार अपने को एक्सपीरियंस हो गया कि अपन और क्या क्या कर सकते हैं। कुछ होने के बाद हमने बहुत सारी फोटोज ली सबके साथ, एंड ये डिसाइड क्या किया, स्टूडेंट ने ये डिमांड किया कि सर ऐसे नहीं जाने देंगे, एक पार्टी तो और बनती है। इतने नाश्तों के बाद, ट्रिप के बाद उनको एक पार्टी और चाहिए थी, जिसका मेरा भी मन बहुत ज़्यादा था कि एक पार्टी और एक ट्रिप तो और बननी चाहिए। तो हमने 30th को ये डिसाइड किया कि 1st of November को, यानी कि हमारे इस सेलिब्रेशन के अगले ही दिन, हम रात को एक डिनर पार्टी में जाएंगे, जिसके लिए हमने बहुत रिसर्च करके पुणे में एक बहुत अच्छा राजस्थानी रेस्टोरेंट खोजा, जो कि अनलिमिटेड थाली सर्व कर रहा था। ये ACT की तरफ से एक भेंट थी सारे के सारे स्टूडेंट को। और उसके बाद हमने प्लान किया था कि हम फर्स्ट डे लास्ट शो जाएंगे एनिमल मूवी का, तो जितने भी लोग हम लास्ट डे में थे, हम सब के सब डिनर भी गए और साथ साथ में एनिमल मूवी भी गए। दिवाली का जब टाइम आया था, दिवाली के वेकेशन में काफ़ी स्टूडेंट घर चले गए थे, तो जितने स्टूडेंट आपको ये दिख रहे हैं, ये फुल मतलब जो क्लास का जो वॉल्यूम होता है उसका 50% भी नहीं है। तो दिवाली पे जो घर रह गए वो रह गए, उसके बाद जो थे ये लास्ट का क्राउड है। तो हम यहाँ से सारे फोटो वोटो क्लिक करने के बाद अगले दिन यानी कि 1st of November को डिनर पे मिले। ये जिसकी फोटो आप देख रहे हैं, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज हम अपने सीए डिनर के प्यारे भाई और बहनों के साथ आए हैं डिनर में। कल अपना बैच कंक्लूड हुआ है, आज साथ में ये सारे भाइयों का अपना अपना नाम है। ये लातूर ग्रुप है, यहाँ का कुछ और ग्रुप है, ये अपना धनबाद वाला है, वो अपना काम, ये हमारा समाधान, ये हमारा समय जो डायलॉग बाजी मारता है, ये प्रांजल, ये खुशी, और वो वहाँ पे वो सारे फर्स्ट बेंच में बैठे हैं, वो लास्ट वाले अपने छत्तीसगढ़ वाले। ये हमारी थाली है, अनलिमिटेड थाली, थोड़ा थोड़ा ये लोग चूक भी लेंगे ना तो भी हो जाएगा। बट कहानी यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई। राम करके एक हमारा स्टूडेंट है, तो राम एंड ग्रुप, उसके साथ जो और भी स्टूडेंट थे, उन्होंने एक बहुत बहुत प्यारा गिफ्ट मुझे दिया, जो मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आप खुद देखें। CS अर्जुन छाबड़ा का एक नेम प्लेट है, जिसमें ऊपर लॉ मेवन लिख के, टाई वाई लगा के, कैसे इमोजी टाइप की मेरी फोटो दी, बहुत अच्छा लगा। वहाँ हमने कुछ और ग्रुप फोटोज ली और वहाँ से निकल गए एनिमल मूवी के। फिर एनिमल मूवी, क्योंकि लेट नाइट शो था, सब एक्साइटेड थे, तो हमने वहाँ पे ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, खूब मस्ती की, और लेट नाइट शो करने के बाद सब अपने अपने घर की ओर निकल गए। इस बैच का अनुभव कुछ इस प्रकार था कि ये बैच एक क्लासरूम नहीं था, ये बैच एक परिवार था, और ये परिवार में मैं सर नहीं था, मैं एक बड़ा भाई था, और जितने भी लोग इस पे थे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन चाहे गूगल ड्राइव के मोड में, वो मेरे एक छोटे भाई और छोटी बहन की तरह उनको देखते हुए मैंने अपनी जो जिम्मेदारी थी अपना बेस्ट दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग मुझसे क्लास लिए थे इस बैच में,
उन सबको मेरी टीचिंग से बहुत हेल्प मिली होगी। एंड आप भी ये सेम फील कर पा रहे होंगे, भले आप वर्चुअली लाइव या जीडी में हैं, बट मैं उम्मीद करता हूँ आप ये व्लॉग को देख के सेम फील कर पाएंगे कि हाँ सर, समवेयर अराउंड वर्चुअली हम भी इसी फीलिंग के साथ आपके साथ बैच कंक्लूड किए। कमेंट बॉक्स में अपने दो प्यार भरे शब्द जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।